लाइट नहीं है भाई, हम रहे तो बच्ची बच्चे अंधेरे में पड़े रहे थे आगे। तो बिजली है ही नहीं? है ही नहीं है, कब से हमरे तो है ही नहीं है, हम अंधेरे में भूख रहा है। बिजली नहीं है? बिजली नहीं है? नहीं है। तो ये बिल कैसे आ गया? बिजली पे आधार कार्ड का नंबर लेगा लिख कर जैसे बिजली का बिल आ रहा हो जी, कपा तो हमें पता नहीं था जो काय के नंबर ले जा रहा है बिल का, बिजली वाले आए तो कौन आए। मीटर वीटर लगा है? कच्चू नहीं लगा। मीटर नहीं लगा? नहीं लगा। और बिल आ गया? बिल आ गया। कब से आ रहा है? दो तीन महीना हो गया, और भी धारे का आ गए। अच्छा, छह महीने से आ रहा है क्या? छह महीना से आ रहा। स्कूल जाती हो? फिर पढ़ाई कैसे करती हो जब बिजली नहीं रहती है तो? अच्छा, लालटेन जला के? आप भी पढ़ाई कैसे करती हो आप? चिमनी में? तो अभी तक बिजली नहीं पहुंची आपके घर? मीटर भी नहीं लगा है और बिल बकायदा आ रहा है? अच्छा, बिजली वाले कोई आते हैं? कोई भी सुध नहीं लेता आपकी? अंधेरे में जीवन आप यापन कर रहे हैं आप? साहब लोग में लगाए थे जामा जावे था ब्याज लेता लोग क्या बोली थी मैंने कही तो उन्हें तब सामान आ को कि जब लगा सू के सामने में काम ये सू को चलो जा रहा हूँ। बिजली के खेमतलिया करके एक गांव है जहाँ पे 20 से 25 मकान बताए जा रहे हैं जिनमें विद्युत की अभी कोई सुविधा नहीं है और ना ही मीटर लगा हुआ है, उसके बावजूद उन लोगों के बिल आ रहे हैं 6 महीने से। और अभी खेमतलैया का जो आपने अभी शिकायत अभी आई है इस संबंध में हमने अपने जेई से भी जानकारी ली है। एक्चुअल में ये वार्ड क्रमांक 11 है, चिचली का नगर परिषद के एरिया में आता है। अभी वर्तमान में वहाँ क्या है कि क्रिस के लिए जो लाइट 10 घंटे उपलब्ध है उस एरिया में भी वही लाइट उपलब्ध है संभवतः, जिस वजह से उसको रात में लाइट मिलने से लोगों को परेशानी चल रही है। और वो 10 घंटे जो विद्युत का उपयोग कर रहे हैं उसी हिसाब से उनको जो अपन मिनिमम MPRC का रूल 50 यूनिट का बिल जो रहता है मिनिमम उसी का कर रहे हैं। और ये वार्ड क्रमांक 11 का जो विद्युतीकरण का कार्य है जो कि बढ़िया एज पर रूल जो विद्युतीकरण अपना होना चाहिए उसका कार्य एक्चुअली NTPC के माध्यम से नगर परिषद को कराया जाना है, उसका हमने उनको एस्टिमेट प्राक्कलन बना के दे दिया है। संभवतः नगर परिषद से भी बात हुई थी तो उनको अभी राशि का आवंटन नहीं हुआ था जिस वजह से वो मिल नहीं पाई है, लेकिन ये क्या है कि 1-2 महीने के प्रक्रिया में ये कार्य हो जाएगा और उनको पूरी 24 घंटे बिजली चालू हो जाएगी।